हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक और लेटेस्ट और अमेजिंग TDL फाइल के बारे में बताएंगे। और ये TDL फाइल भी टैली प्राइम की बाकी सभी TDL फाइल्स की तरह एक एडवांस TDL है। इस TDL फाइल की मदद से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपनी सभी कस्टमर्स की टर्नओवर रिपोर्ट विद क्रेडिट लिमिट देख सकते हैं। यानी हमें एक ही जगह पे शो हो जाएगा कि हमने किस कस्टमर को टोटल कितनी सेल किया और उसकी कितनी क्रेडिट लिमिट है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी एडवांस TDL फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली प्राइम की कस्टमर टर्नओवर रिपोर्ट TDL फाइल के बारे में बताएंगे। इसके नाम से आपको इसका वर्क क्लियर हो जाता है कि इस TDL फाइल की मदद से हम अपने सभी कस्टमर्स की टर्नओवर एक ही जगह पे देख सकते हैं। अब टर्नओवर क्या होता है, यानी हमने अपने किस कस्टमर को टोटल कितनी सेल की है, और साथ ही में अगर हमने अपने किसी कस्टमर के ऊपर क्रेडिट लिमिट को सेट किया होता तो वो भी हमें वहीं पे शो हो जाती है। तो वही सबसे पहले इस TDL फाइल को लोड कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको इसका वर्क दिखाते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो TDL फाइल है जिसका नाम है टर्नओवर विद क्रेडिट लिमिट। इस TDL फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F1। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिसपे लिखा हुआ है TDLs एंड एडऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की O। अब इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी TDL फाइल्स हम लोड कर चुके हैं वो सारी हमें सामने की तरफ हो जाएंगी। और नई TDL फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है मैनेज लोकल TDLs, यहाँ तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन हमारा यस रहेगा जिसपे लिखा है लोड सेलेक्टेड TDL फाइल स्टार्टअप, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। अब नई TDL फाइल को लोड करने के लिए फाइल सिलेक्शन में दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और TDL फाइल का पूरा पाथ पेश कर देंगे शॉर्टकट के Ctrl+V, देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे ये TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब ये TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली में हमें सबसे ऊपर एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है टर्न ओवर रिपोर्ट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस TDL फाइल को सक्सेसफुली लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली प्राइम में भी आ जाएगा। और साथ ही आप देखेंगे आपको गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन भी TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और जितनी भी TDL फाइल्स हैं सभी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सारी TDL फाइल किस तरीके से डाउनलोड होगी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आइए सबसे पहले इस TDL फाइल का वर्क देखते हैं। तो सिंपल हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं जिसपे लिखा हुआ है टर्न ओवर रिपोर्ट, या तो इसकी शॉर्टकट के T। अब इस पे क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब इस रिपोर्ट को किस तरीके से चेक करना है वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ सभी कस्टमर्स के नाम आ जाएंगे, यानी जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे जिनको भी हम सामान सेल करते हैं उन सभी के लेजर एक तरफ यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी लेजर आ रहे हैं और यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर कस्टमर लिखा हुआ है जिससे हमें ये पहचानने में आसानी है कौन से हमारे कस्टमर हैं कौन से हमारे सप्लायर हैं। और यहाँ पे एक तरफ हमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर यहाँ पे हम अपने ऐसे डेटा को मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर एक साल काफ़ी सारे फाइनेंशियल ईयर की कंपनी है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर की टर्नओवर दिख जाएगी। एग्जांपल के लिए अभी जो हमारी ये कंपनी हमने ओपन की है ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी को मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का डेटा भी सारा मेंटेन होता आ रहा है तो यहाँ पे आपको उन कस्टमर की प्रीवियस ईयर की टर्नओवर भी आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे कस्टमर है GSP टेलीकॉम, अगर यहाँ पे हमारा काफ़ी पुराना कस्टमर है तो प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 के अंदर जो भी हमने इसको टोटल सेल की होगी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे 2020-21 में जो भी हमने सेल किया करंट ईयर में शो रही है। और अगर यहाँ पे हमने इस कस्टमर के ऊपर कोई क्रेडिट लिमिट लगाई थी तो वो भी हमें यहाँ पे आ जाएगी। अब क्रेडिट लिमिट किस तरीके से लगाई जाती है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सभी कस्टमर की पूरी रिपोर्ट आ जाती है। अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को पीरियड वाइज भी देख सकते हैं, यानी अगर आप एक महीने की टर्नओवर, 6 महीने की टर्नओवर, 9 महीने की, 10 महीने की टर्नओवर देखना चाहते हैं तो पीरियड को चेंज कर सकते हैं। सिंपल पीरियड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उस पीरियड को एंटर कर दीजिए।
और साथ ही में आप चाहें तो इस रिपोर्ट का प्रिंट लेके भी अपने रिकॉर्ड के अंदर रख सकते हैं। तो इसका प्रिंट लेने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस पी देन प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे हमारे जितने भी कस्टमर है सभी की टर्नओवर हमें एक साथ आ जाए। अब यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने कस्टमर को टोटल कितने की सील किया हमें एक ही जगह पे शो रहा है। तो आइए दिखाते हैं अब क्रेडिट लिमिट आप किस तरीके से सेट करेंगे। तो क्रेडिट लिमिट को सेट करने के लिए हमें अपने कस्टमर के लेजर को अल्टर करना होगा। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अल्टर में आ जाते हैं, देन यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में लेजर में आ जाते हैं और अपने किसी भी कस्टमर को ओपन कर लाते हैं, एग्जाम्पल के लिए जीएसपी टेलीकॉम। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम लेजर अल्टरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम इस लेजर को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं आता जहाँ पे हम अपने कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकें। तो क्रेडिट लिमिट होता क्या है, यानी हम अपने कस्टमर को एक तरीके की लिमिट दे देते हैं, यानी इस कस्टमर को हम इस लिमिट से ज़्यादा उधार नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा कस्टमर है जीएसपी टेलीकॉम, इसकी क्रेडिट लिमिट को हमने डाल दिया 1 लाख और जब भी हम सेल करेंगे तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पे एंट्री कैश के थ्रू की जा रही है तो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे उधार माल दिया जा रहा है तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही कई बार हम अपने बिजनेस के अंदर अलग अलग कस्टमर्स के अंदर अलग अलग क्रेडिट लिमिट को सेट कर देते हैं। इससे होता क्या है, जब तक वो कस्टमर पुराने बिल्स की पेमेंट नहीं कर देता उसको नए बिल की एंट्री होगी नहीं, टेलीप्रैम में एरर शो हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हम क्रेडिट लिमिट को सेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लेजर अल्टरेशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर देते हैं, जिससे यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर देंगे जिसपे लिखा है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो रहता है, इसको हम यस कर देते हैं और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसे हम उस ऑप्शन को यस कर देंगे तो लेजर अल्टरेशन वाली स्क्रीन पे हमें यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिसपे लिखा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट और यहाँ पे हम अपने इस कस्टमर की लिमिट को सेट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए इस कस्टमर की लिमिट हम डाल देते हैं 10 लाख, यानी 10 लाख तक का यहाँ पे हम इसको उधार माल बेच सकते हैं। अब इसको सेट करने के बाद जब भी हम इस कस्टमर के साथ सेल की को एंट्री करेंगे, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हम इस कस्टमर को सेट करते हैं जीएसपी टेलीकॉम, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसकी क्रेडिट लिमिट भी आ जाएगी, यानी इस कस्टमर को टोटल 10 लाख से ज़्यादा की एंट्री नहीं कर सकते, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में वो एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं होगी। और जैसे हम अपने अलग अलग कस्टमर के अंदर क्रेडिट लिमिट को सेट करते हैं तो जो हमारी TDL फाइल है, टर्नओवर रिपोर्ट, यहाँ पे भी हमें वो शो हो जाती है। तो आप देखेंगे अभी हमने जीएसपी टेलीकॉम की क्रेडिट लिमिट को सेट किया था 10 लाख, वहाँ पे सक्सेसफुली आ रही है। तो टेलीप्राइम की काफ़ी यूजफुल TDL फाइल है, लगभग सभी तरीके के बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो लोग भी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में सील परचेज को मेंटेन करते हैं, अपने कस्टमर्स को सील करते हैं, तो वो यहाँ पे एक ही जगह पे देख सकते हैं कि हमने अपने किस कस्टमर को टोटल कितनी सेल कर दी है और अगर किसी कस्टमर के ऊपर हमने क्रेडिट लिमिट को सेट किया हुआ तो वो भी एक ही जगह पे शो हो जाता है। और साथ ही आप देखेंगे आपको गेटवे ऑफ टैली में नीचे की तरफ, राइट साइड में, ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस TDL फाइल्स की मदद से लोड किए गए हैं और जितनी भी TDL फाइल्स हैं सभी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाएं जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये 5 ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टेलीप्रेम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टेलीप्रेम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।